शालीमार जयपुर स्पेशल आज दोपहर 2:34 जयपुर के लिए हावड़ा शालीमार स्टेशन से रवाना हुई। हालांकि इस ट्रेन में 1608 प्रवासी श्रमिकों को टिकट दिया गया था, लेकिन ट्रेन के पहचान के समय यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। प्रवासी कार्यकर्ताओं को आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। वहाँ से उन्हें राज्य सरकार की बस द्वारा शालीमार स्टेशन लाया गया। वहाँ उनके शारीरिक उपचार के बाद रेल कर्मियों ने उन्हें भोजन और पानी के साथ ट्रेन की सीटों पर बैठाया गया। विभिन्न राज्यों के इन सभी यात्रियों के चेहरे पर घर लौटने की खुशी साफ झलक रही थी। ये हम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिसे क्या हमारे लिए जाने के लिए ट्रेन का एक व्यवस्था किया, फ्री में कर दिया। देखिए टिकट तो दिया है, अभी तक पैसा तो नहीं बोला है। अच्छा। कैसे बोले हैं? क्या बंदा जा रहा है? हम लोग बच्चा और मिला के 7 जन हैं। खाना उन्हें मिला इधर जितने दिन? नहीं नहीं, खाना पीना तो जितना दिन पैसा था उतना दिन हो रहा था। अच्छा। कैसे लग रहा है घर जाने का? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। नहीं भैया, बच्चा साथ है और घर से निकलना और सब चीज ये जिस तरह का परेशानी बाकी सब लोग देख रहे हैं, बाहर उतरना नीचे जाना ये सब चीज़ का दिक्कत परेशानी है। फिर क्लाइमेट भी अभी ऐसा है, एकदम ही समर सीजन चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन आप गांव जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, कैसी लग रहा है? ठीक है, अब मच बेटर फील कर रहे हैं कि कम से कम वहाँ पहुँच जाएंगे, सेफ रहेंगे। जिस लिमिटेड पैसा था उसी से ही खर्चा चलना था। अच्छा, टिकट का किराया कितना देना पड़ा आपको? हमको किराया नहीं देना पड़ा, गवर्नमेंट की तरफ से टिकट फ्री में मिली है। अच्छा, जुगाड़ कैसे किया? जुगाड़ नहीं, मतलब जो लिस्ट आई थी नोडल ऑफिसर्स की, अपने अपने राज्य के जो नोडल ऑफिसर हैं उनको अप्रोच किया, उनको उस नंबर पर कॉल किया। अच्छा। तो नंबर तो नहीं कोई उठाता था, बात नहीं हो पाती थी, तो उस पर मैसेज किया। अच्छा। मैसेज करने के बाद उन्हीं की तरफ से कॉल आया और उन्होंने सारी डिटेल्स ली। कैसे लग रहा है अब घर जाने का टाइम? अभी इतना दिन परेशानी उठाया उसके बाद घर जा रहा है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सुकून लग रहा है। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे।